हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय क्लास अगेन। लास्ट क्लास में हम सभी ने डिस्कस किया था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और किस तरह से हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के लिए इंडिविजुअल रेट्स को लिखते हैं, साथ ही रेट को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सी एक्सप्रेशंस वगैरह यूज़ करते हैं, क्या मैथमेटिकल टर्म्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। और आज की इस क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि रेट कितने टाइप्स का होता है, साथ ही साथ में रेट्स के टाइप्स को हम ग्राफ से किस तरह से कैलकुलेट करें, मतलब अगर हमें ग्राफ कभी दे दे तो ग्राफ की हेल्प लेते हुए हम किस तरह से रेट को कैलकुलेट करेंगे, ये भी आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद फाइनली हम जंप कर जाएंगे अपने न्यूमेरिकल्स के टॉपिक पर, और साथ ही साथ में रेट को कैलकुलेट करते समय क्या रेस्ट्रिक्शंस आपको ध्यान में रखनी है, ये भी आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत ही ध्यान से अपना पूरा फोकस आप लोग क्या क्लास पर बनाए रखिएगा। चलिए कॉपी और पेन लेकर स्टार्ट हो जाइए, स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी आज की क्लास को। सबसे पहले देखिए, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि रेट्स कितने टाइप्स के होते हैं किसी भी रिएक्शन के, और फिर उसके बाद मैं आपको ये बताऊँगा कि रेट को हम कैलकुलेट किस यूनिट में करते हैं। समझ में आई बात? तो हेडिंग यहाँ से लिख लीजिए आप लोग सबसे पहले, टाइप्स ऑफ रेट। टाइप्स ऑफ रेट, बात आई आपको समझ में? देखिए, अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शंस होते हैं दो टाइप के। एक होता है हमारा एवरेज रेट, एवरेज रेट, और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट आपका क्या होता है? एवरेज रेट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एवरेज रेट का मतलब ये है कि हमें अगर रेट कैलकुलेट करने के लिए बोल दे किसी गिवन टाइम इंटरवल के अंदर, जैसे अगर हमसे बोल दे कि 5 से 10 सेकंड के बीच में रेट को कैलकुलेट करके बताओ, या 10 से 15 सेकंड या 20 सेकंड के बीच में कैलकुलेट करके बताओ, तो ये 10 से लेकर 20 या 15 सेकंड के बीच, ये जो एक पूरा का पूरा टाइम इंटरवल है ना, अगर बीच में गैपिंग आ रही है तो हम इसे इंटरवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरवल बोलते हैं, टाइम इंटरवल। तो अगर मुझे कभी इस तरह से टाइम इंटरवल्स में रेट कैलकुलेट करने के लिए कहे तो हम समझ जाएंगे कि ये कौन सा वाला रेट है, एवरेज रेट है। और इंस्टेंटेनियस रेट, अब नाम से देखिए क्लियर है, यहां पर इंस्टेंट आपको कितने पे ध्यान देना है, इंस्टेंट पे। इंस्टेंट मतलब क्या होता है? अ पर्टिकुलर मोमेंट, कोई क्षण। तो अगर मुझसे किसी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे पूछ दे कि बताओ रेट कितना होगा, जैसे 5 सेकंड पर बताइए, 10 सेकंड पर बताइए, तो ये जो इंस्टेंट पर रेट पूछेगा, हम उस समय बोल देंगे कि हमसे इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर रहा है। समझ में आई बात आपको? तो अब आपने क्या सीखा कि एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट के बीच में डिफरेंस क्या क्या है। यहाँ पर देखिए शब्दों का थोड़ा सा खेल है, शब्द हमें जो इस्तेमाल करने हैं उसे ध्यान में रखना होगा। अगर बोले इतने से लेके इतने में तो हम समझेंगे एवरेज रेट, और अगर बोले इतने पर तो हम समझ जाएंगे इंस्टेंटेनियस रेट। में और पर का खेल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा एवरेज रेट के नीचे कि जब भी हमसे एवरेज रेट पूछेगा तो किस में, किसी इंटरवल में हमसे बात करेगा, किसी इंटरवल में। और जब भी हमसे इंस्टेंटेनियस रेट की बात करेगा तो एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर समय पर। बात आ गई आपको समझ में? एट अ पर्टिकुलर टाइम, समझ में? इसे आप नोट करिए जस्ट अ सेक। अब देखिए यहां से अगर हम आगे बात करें कि एवरेज रेट को हम कैलकुलेट किस तरह से करेंगे मैथ्स की हेल्प से, मतलब क्या मैथमेटिकल इक्वेशन होगी। हमने लास्ट क्लास में रेट वगैरह निकालने के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के लिए इंडिविजुअल जो हमारे टर्म्स थे मैथ्स के उनको देखा था। यहां पर देखिए अगर मुझे कभी एवरेज रेट कैलकुलेट करना पड़े तो मैं ऐसे लिखूंगा, आर एवरेज। तरीका देखिए, आर एवरेज इज इक्वल्स टू, रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन
टाइम, और आप सभी जानते हैं चेंज अगर बड़ा हो, जैसे अब यहाँ पर 10 से लेके 15 सेकंड के बीच अगर हमसे बोले तो ये एक सिग्निफिकेंट चेंज है, हमें दिखेगा भाई 5 सेकंड का डिफरेंस है ना दोनों के बीच में, चेंज कितना 5 सेकंड बड़ा है दिख रहा है। अगर ये 10 से लेके 11 सेकंड के बीच का भी चेंज होता तो भी 1 सेकंड का ये जो डिफरेंस है हमें दिखेगा कि 1 सेकंड का चेंज है यहाँ पर। तो जब भी चेंज ऐसा सिग्निफिकेंट होता है ना तो हम वहाँ पर डेल्टा यूज करते हैं चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब आपको मालूम है कि रेट जो होता है वो रिएक्टेंट्स के लिए कैसा होता है, नेगेटिव, और प्रोडक्ट्स के लिए कैसा होता है, पॉजिटिव। तो इसके लिए हम यहाँ पर रेट के इस एक्सप्रेशन पे क्या लगा देंगे, मॉड, ताकि हमें पता चलते कि रेट हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। क्योंकि नेगेटिव साइन तो बस क्या रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, ये कभी ये नहीं बताता कि मेरा रेट नेगेटिव है। ये सब बातें मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई हैं। अब यहाँ से देखिए डेल्टा सी मतलब क्या, सी फाइनल माइनस में सी इनिशियल, ये चेंज होता है, अपॉन में डेल्टा टी यानी कि टी फाइनल माइनस में टी इनिशियल। तो ये हो गई हमारी फाइनली रेट के लिए एक्सप्रेशन, किसके लिए, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए। समझ में आ रही ना बात आपको। अब अगर देखिए यहाँ पर मेरे से बोले कि इंस्टेंटेनियस रेट आप बताइए, तो इंस्टेंटेनियस मतलब क्या, किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछेगा, 4 सेकंड या 5 सेकंड पे बताइए, 3 सेकंड पर या 2 सेकंड पर बताइए, ऐसे। तो देखिए हम क्या करते हैं ना, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे किसी रिएक्शन का रेट कैलकुलेट करना बड़ा ही टफ होता है, क्योंकि वो एक छोटे से अगर मैं टाइम पे आपको बोल दूँ कि तुरंत बताइए 5 सेकंड पे रेट कितना होगा, तो टाइम तो रुकने वाला है नहीं ना, टाइम तो आगे बढ़ जाएगा भाई, टाइम नहीं रुक सकता है। समझ में आई ना बात आपको। तो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए अगर मेरे से बोल दे कि आप 5 सेकंड पर रेट ऑफ रिएक्शन बताइए कितना होगा, तो हम बोलते हैं ना चलो एक छोटा सा इंटरवल ले लेते हैं अपनी तरफ से, हम बोलते हैं 5 सेकंड पर हमसे बोला है तो हम 5 सेकंड से लेकर 5.000001 मतलब कोई छोटा सा टाइम इंटरवल एक और अपनी तरफ से एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 0.00001 सेकंड का। तो ये डिफरेंस कैसा है, लगभग जीरो के बराबर। भाई ये वैल्यू क्या किसी काम की है, किसी काम की नहीं, लगभग जीरो की तरफ जा रही है, मतलब कि जो मेरा टाइम इंटरवल मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है वो लगभग कितने के बराबर है, 5 सेकंड के ही बराबर है। बात आई ना आपको समझ में। ऐसा बस हम क्यों करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम किसी लाइन के ऊपर मूव कर रहे हैं और मुझसे बोल दिया कि ये प्रॉपर 5 कदम यहाँ पे आ रहा है, मैं चलते चलते 5 कदम से आया यहाँ 1 कदम से। अब अगर मैं थोड़ा सा इतना और बढ़ जाऊँ, केवल देखिए इतना सा, मात्र इतना, मतलब 5.00001 स्टेप और, तो क्या मैं लोगों से ये बताऊंगा कि मैं जो है 5.00001 स्टेप बढ़ा, नहीं, हम बोलते हैं कि लगभग मैं 5 कदम ही चला। उसी तरह से अगर मैं यहाँ टाइम इंटरवल में थोड़ा सा 0.0001 का इंक्रीमेंट करके थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ जाऊँ, तो क्या मैं बोलूँगा कि नहीं मैं रेट अब 5 सेकंड पर नहीं इतने सेकंड पर कैलकुलेट कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, हम बोलेंगे हम 5 सेकंड पर ही कैलकुलेट कर रहे हैं। समझ में आई बात। अब लेकिन ये नौटंकी हमने क्यों, ये नौटंकी इतनी हमने इसलिए की क्योंकि ये जो हमारी एवरेज रेट वाली इक्वेशन है ना, इसी की हेल्प से मुझे कैलकुलेट करना पड़ता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। बात आई ना आपको समझ में। अब देखिए इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि इंटरवल के लिए काम करना मेरे लिए क्या होता है, आसान होता है। आपने अभी अभी देखा कि यहाँ पे जो मैंने टाइम इंटरवल लिया था वो लगभग जीरो की तरफ मूव कर रहा था, तो हम इसे क्या कहते हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। अब मतलब कहने का ओवरऑल ये है कि अगर आर इंस्टेंटेनियस हमसे पूछ रहा है तो आर इंस्टेंटेनियस किसके बराबर होगा, आर एवरेज के, लेकिन किस केस पे, यहाँ पर एक लिमिट है आपकी और वो लिमिट क्या है कि डेल्टा टी जो है आपका वो किसकी तरफ मूव कर रहा है, जीरो की तरफ मूव कर रहा है। तो डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो आर एवरेज। ये आपको ना अगर समझ में ना भी आ रहा हो तो कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं है, बिकॉज हो सकता है आप में से कुछ बायो के स्टूडेंट्स हो जिन्हें मैथमेटिकल अप्रोच में थोड़ी प्रॉब्लम होती हो। तो देखिए हमें ये डेरिवेशन वगैरह याद नहीं रखनी है, यहाँ पे इसकी पर्टिकुलर डेरिवेशन नहीं याद रखनी है, क्योंकि आपसे ये कभी निकालने के लिए नहीं कहेगा, आपको मेन जो अभी मैं फॉर्मूला बताऊंगा ना वो याद रखना है। लेकिन जो बच्चे होंगे कुछ ऐसे जिन्हें समझने की चाह होगी, आप में से लगभग सारे ही होंगे मैं उम्मीद करता हूँ, कि वो जानना चाहते होंगे कि ये आखिर आता कैसे है, क्या हम डायरेक्ट इक्वेशन कैसे पा गए, उनके लिए मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ से
यहां से अगर हम सॉल्व करें थोड़ा सा आगे, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, आर एवरेज क्या होता है, आर एवरेज अभी अभी हमने देखा डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी के बराबर होता है, वो भी किसमें, मॉड में। क्या आपको इसमें कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अब देखिए जब ये हमारी फाइनल वैल्यू यहाँ से आएगी ना, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा सी बाई डेल्टा टी को हम सॉल्व करते हैं, तो आर इंस्टेंटेनियस मेरा जो यहाँ से निकल के आएगा वो आता है, देखिए इस पूरी क्वांटिटी को ना हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, डी सी अपॉन में डी टी से, वो भी मॉड के अंदर। बात आ गई आपको समझ में, डी यहाँ पर मैंने डेल्टा को हटा के रिप्लेस किया है, क्यों, क्योंकि आपको याद रखना होगा कि जब भी इंस्टेंटेनियस रेट की बात करेगा, यानी चेंज कैसा होगा, बहुत ही छोटा होगा, तो हम छोटे से चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, डी यूज करते हैं, स्मॉल डी, और बड़े चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेल्टा यूज करते हैं। ये बातें आपको ध्यान में रखनी ही रखनी होगी। तो यहाँ से निकल के आ गई मेरी इंस्टेंटेनियस रेट को कैलकुलेट करने की एक्सप्रेशन। इंस्टेंटेनियस रेट हमें जब भी कैलकुलेट करना होगा तो हम किससे कैलकुलेट करेंगे, आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू मॉड में डी सी अपॉन में डी टी। अब डी सी अपॉन डी टी नेगेटिव होगा रिएक्टेंट के लिए और पॉजिटिव होगा किसके लिए, प्रोडक्ट्स के लिए। मॉड लगाने का मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। समझ में आ गई ना बात आपको यहाँ से। तो ये पर्टिकुलर पूरा क्या था कि हम किस तरह से मैथमेटिकल इक्वेशंस को यूज करते हुए एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करते हैं। अब चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर हमें कभी ग्राफ्स प्रोवाइड कर दे रिएक्शन वगैरह के लिए, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स के ग्राफ अगर हमें बना के दे दे, तो उनसे मैं किस तरह से रिएक्शन के रेट्स निकालूंगा, एवरेज या फिर इंस्टेंटेनियस, ये चीज मैं अब आपको यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ। तो एकदम ध्यान से देखिएगा, हेडिंग सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या, कि कैलकुलेशंस यूजिंग ग्राफ। बात आ गई ना समझ में। सबसे पहले मैं आपको एवरेज रेट ही कैलकुलेट करना सिखाऊंगा कि हम ग्राफ की हेल्प से एवरेज रेट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। चलिए ग्राफ ना मैं आपको दोनों के लिए बना के दिखाता हूँ, रिएक्टेंट्स के केस में भी और प्रोडक्ट्स के केस में भी, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों के लिए। देखिए अगर कभी आपको ग्राफ बनाना हो ना, यहाँ से देखिए आप दो चीज़ें सीख जाएंगे, एक तो रेट किस तरह से कैलकुलेट करूँ वो भी सीखेंगे, साथ ही ग्राफ किस तरह से बनाते हैं आप ये भी सीख जाएंगे। देखिए ग्राफ बनाना हो ना, सबसे पहले ऐसे एक्सिस आप ड्रॉ कर लीजिए, ये हमने हमारी एक्सिस यहाँ से ड्रॉ कर ली, ये है मेरी एक्स एक्सिस और ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस। इस एक्स एक्सिस पर जनरली हम क्या पुट करते हैं, टाइम को पुट करते हैं, क्योंकि हमें ग्राफ किसके किसके बीच का बनाना है, देखिए हमें ग्राफ बनाना है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। कौन सा ग्राफ हम डिज़ाइन करेंगे, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का ग्राफ हमें बनाना है। तो जब टाइम को हम जनरली कहाँ पुट करते हैं, एक्स एक्सिस पर, तो अब ये एक्स एक्सिस ना बोल के हम इसे क्या नाम दे देंगे, टाइम एक्सिस, और इस वाई एक्सिस पे हमें क्या पुट करना होगा, कंसंट्रेशन, तो इसे अब हम क्या नाम दे देंगे, कंसंट्रेशन एक्सिस। आपका टाइम इधर बढ़ रहा है जबकि कंसंट्रेशन इधर बढ़ रहा है। समझ में आ गई बात आपको। अच्छा आप ना किसी जनरल से रिएक्शन के बारे में सोचिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक जनरल रिएक्शन है कि ए और बी आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं सी और डी। बात आई आपको समझ में। तो देखिए यहाँ से होगा क्या, ए और बी मेरे रिएक्टेंट्स हैं यहाँ पर और सी और डी क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। शुरुआत में जब मैं रिएक्शन करवाना चाहता हूँ तो क्या मैं किसे उठा के चलूँगा इन दोनों में से, जाहिर सी बात है मेरे पास शुरुआत में ए और बी ही होंगे और इनका अमाउंट कैसा होगा स्टार्टिंग में, मैक्सिमम, क्योंकि जब मैं शुरू शुरू में लेके चल रहा हूँ अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो रिएक्टेंट्स का अमाउंट मेरे पास होगा ना, मतलब इनका कंसंट्रेशन कैसा होगा उस समय, मैक्सिमम होगा। फिर जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, धीरे धीरे रिएक्शन होने लगेगी, प्रोडक्ट्स बनने लगेंगे, तो रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन घटता जाएगा और प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, यही होने वाला है ना। मतलब अगर हम यहां बात करें t इज इक्वल्स टू जीरो टाइम पर, तो देखिए इस t इज इक्वल्स टू जीरो टाइम पर जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स का वो कुछ ना कुछ मैक्सिमम वैल्यू पर होगा, और मान लेते हैं ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे लिए, सी नॉट है। बात आई ना आपको समझ में, मैक्सिमम वैल्यू क्या है कंसंट्रेशन की मेरे लिए, सी नॉट मैंने अपनी तरफ से ले लिया।
अब देखिए टाइम मेरा इधर की तरफ बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है रिएक्टेंट्स मेरे कंज्यूम होते जाते हैं, और रिएक्टेंट्स का कंसेंट्रेशन घटता है, प्रोडक्ट्स का कंसेंट्रेशन बढ़ता है। तो देखिए जो ग्राफ बनेगा ना वो कुछ इस तरह से बनेगा ऐसा, ठीक है, समझ में आई बात? कैसे हमें पता चला? देखिए जब जीरो टाइम पे बात कर रहे हैं तो मेरा कंसंट्रेशन यहाँ पे है मैक्सिमम वैल्यू पे, मान लीजिए मैं यहाँ आ गया टी इज इक्वल्स टू सपोज कर लीजिए कितने पर, 1 सेकेंड पर। तो देखिए 1 सेकेंड पे आपका कंसंट्रेशन, ये जो टाइम एक्सिस है ये ग्राफ को यहाँ कट करता है और इसके करस्पॉन्डिंग आपको कंसंट्रेशन की वैल्यू मिल रही है इतनी, मतलब आप देख रहे हैं कि जीरो पे जो वैल्यू इतनी थी ज़्यादा, अब 1 सेकेंड टाइम बढ़ने पर वही कंसंट्रेशन की वैल्यू घट गई है। तो आपको एक चीज़ ये यहाँ से पता चल गई कि जो कंसंट्रेशन होता है मेरा वो रिएक्टेंट के लिए टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन टाइम के बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है। बात आ रही ना आपको समझ में अच्छे से? बिल्कुल आ गई होगी। और ये वाले जो देखिए मेरे जो ग्राफ्स हैं ना, इन्हें मैं कहता हूँ हाइपरबोलिक ग्राफ, मैं नहीं सभी इन्हें यही कहते हैं। ये जो ग्राफ इस तरह के बनते हैं ना ढलान टाइप के, इन्हें हम हाइपरबोलिक ग्राफ्स कहते हैं। समझ में आई इनकी बात आपको कि नहीं आई? बिल्कुल आ गई होगी। अब चलिए यहाँ से आगे हम लोग देख लेते हैं ये ग्राफ किसके लिए हो गया, रिएक्टेंट के लिए। एक चीज़ ना आप यहाँ से और ध्यान में रख सकते हैं, एक चीज़ आपको और ध्यान यहाँ से ये रखनी है कि इस कंसंट्रेशन और टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, क्या चीज़ स्लोप? अरे ये कौन सा मंगल ग्रह का वर्ड है? अरे ये मंगल ग्रह का वर्ड नहीं, 10th क्लास में आप सबने, 11th की बात करते हैं, 2 साल पीछे, क्यों एक ही साल पीछे चलते हैं, 11th में आप सबने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बिल्कुल पढ़ा था, वहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन का स्लोप बताया गया होगा, स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या फिर कोफिशियंट ऑफ x अपॉन में कोफिशियंट ऑफ y का नेगेटिव, ये सब बताया गया था ना। तो स्लोप आप सबको मालूम है, स्लोप मतलब जनरली क्या, ढलान, कुल मिला जुला के स्लोप मतलब क्या होता है, ढलान कितनी है, ठीक। तो जो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ की स्लोप होती है ना, ये आपको क्या बताती है, रेट निकाल के देती है रिएक्शन का, यही आपको क्या देती है, रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि देखिए अगर आपने डिफ्रेंशिएशन पढ़ाई है, आप सभी आई होप पढ़ चुके होंगे, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ अगर ऐसे लिखा है dx/dt, तो dx/dt या फिर ऐसे dx/dt छोड़ते हैं, अगर लिखा है dy/dx, बात आई ना समझ में? तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ये मुझे क्या देता है, ये मुझे स्लोप ही निकाल के देता है। अगर आपने टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर आप लोग आगे पढ़ेंगे, अभी तो आपने बेसिक डिफरेंशिएशन ही पढ़ा होगा, जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ बताई जाएगी कि अगर जैसे मेरे पास कोई कर्व है, मान लीजिए y इज इक्वल्स टू 4ax, ये किसी पैराबोला की इक्वेशन है, समझ में आ गई बात? ये मेरा राइट हैंड पैराबोला है, और अगर मैं इसे देखूं इस इक्वेशन को और मैं पूछ लूं आपसे कि बताइए इसकी स्लोप कितनी है किसी x की पर्टिकुलर वैल्यू पर, ठीक, तो मैं सिंपली इसका dy/dx यहां से कैलकुलेट करता हूं, और ये dy/dx क्या है, मुझे निकाल के देगा, स्लोप निकाल के देता है इस पर्टिकुलर कर्व का। उसी तरह से देखिए कंसंट्रेशन और टाइम ग्राफ जो है ना, इसके लिए हमने रेट की जो एक्सप्रेशन लिखी थी वो क्या लिखी थी, इंस्टेंटेनियस रेट की dc/dt लिखी थी। तो ये जो dc/dt आप देख रहे हैं, क्या आपको ये dy/dx की तरह दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, बस यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है y का विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है कंसंट्रेशन का विद रिस्पेक्ट टू t। ये वाली जो आपकी इक्वेशन है वो y और x के फॉर्म में है, यहाँ पे आपकी ये जो कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ मैंने बनाया है, ये जो बीच की ये कर्व बनी है ना, इस कर्व की इक्वेशन भी c और t के टर्म्स में होगी। तो c और t के टर्म्स में जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा। और आपको मालूम ही है कि ये जो dc/dt क्या होता है, रेट के बराबर होता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि मतलब कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो मुझे क्या बना के देती है, रेट ऑफ रिएक्शन बता के देती है। समझ में आई बात? अब यहाँ से मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है आपको समझाने का। अब मुझे देखिए कैलकुलेट क्या करना होता है, सिंपली मुझे एवरेज रेट की कैलकुलेशन करनी है। एवरेज रेट अगर मुझे निकालना है तो मेरे पास देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि आर एवरेज इज इक्वल्स टू डेल्टा c अपॉन में डेल्टा t
टी, यही होता है हमारे पास फॉर्मूला, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम। अगर किसी तरह से आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पे कंसंट्रेशन की वैल्यू पता चल जाए तो आप रेट निकाल सकते हैं। अब जैसे ना मान लीजिए यहाँ पे मैंने आपको बोल दिया कि आप टी इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड के बीच का मुझे रेट बताइए कितना होगा। बात आ गई समझ में? ये मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया और ये ग्राफ पकड़ा दिया है। तो अब आप बस करना क्या है आपको, यहाँ पर मान लेते हैं टी इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड मेरा कहीं यहाँ पे है। बात आ गई समझ में? तो टी इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड, यहाँ इतना 5 है तो यहाँ पे कहीं 10 होगा आपका। क्या आपको इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये 5 सेकेंड है और ये 10 सेकेंड। आप क्या करिए ना, यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करिए जो ग्राफ को कट करे, यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करिए जो ग्राफ को कट करे। अब देखिए ये 5 सेकेंड ग्राफ को कहाँ कट करता है? इस पॉइंट पे। तो इसी पॉइंट को आप मिला दीजिए कंसंट्रेशन वाली एक्सिस से। तो ये देखिए कंसंट्रेशन की यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू मिल जाएगी। कब? t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड पर मेरा कंसंट्रेशन कितना है? मान लीजिए c इनिशियल है, क्योंकि ये टाइम पहले है 5 सेकेंड, तो मैं इसे इनिशियल मान लेता हूँ। और मानना क्या है, t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड पर ग्राफ मेरा यहाँ कट हो रहा है। और इससे जुड़ी अगर मैं वैल्यू देखूँ कंसंट्रेशन की, तो देखिए t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड पर जाहिर सी बात है कंसंट्रेशन घटेगा टाइम बढ़ने के साथ साथ। तो अब घट के ये कितना हो गया, c फाइनल के बराबर हो गया। अब मुझे 5 सेकेंड और 10 सेकेंड पर देखिए कंसंट्रेशन की वैल्यू पता चल गई है, तो मैं आराम से अपने एवरेज रेट की कैलकुलेशन कर सकता हूँ यूजिंग दिस ग्राफ। देखिए ग्राफ से ही तो मैंने आपको सारी चीज़ें कैलकुलेट करके बताई, मुझे सिर्फ टाइम दिया था और इसी टाइम से मैंने आपका यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लिया, कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन से सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई करिए, आर एवरेज इज इक्वल्स टू सी फाइनल माइनस सी इनिशियल अपॉन में टी। कितना है? मान लीजिए कि ये टी इनिशियल है और ये टी कैसा फाइनल, तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यहाँ से रख के आप आराम से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको आर एवरेज की वैल्यू मिल जाएगी। बात आ गई ना आपको समझ में? तो ये था एवरेज रेट की कैलकुलेशन करना यूजिंग ग्राफ। ये ग्राफ किसके लिए था? रिएक्टेंट्स के लिए। आपको ना ऐसे ही ग्राफ प्रोडक्ट्स के केस में भी वो बना के दे सकता है। अब मैंने आपको एवरेज रेट तो कैलकुलेट करना सिखा दिया ग्राफ से, बस प्रोडक्ट्स का आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूँ कि वो किस तरह से आपको देगा। तो सेम यही, हम पहले सबसे एक्सिस ड्रॉ करेंगे, इस एक्सिस पे किसे पुटअप करेंगे, कंसंट्रेशन को, और इस एक्सिस पे हम किसे पुटअप करेंगे, टाइम को। बात आई ना आपको समझ में? आप देखिए अगर मैं बात करूं टी इज इक्वल्स टू 0 टाइम पर, ये ओरिजिन होता है 0.0, तो इस टी इज इक्वल्स टू 0 टाइम पर बताइए क्या अभी जब रिएक्शन शुरू भी नहीं हुई है 0 टाइम पर क्या प्रोडक्ट्स बने होंगे? प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं बने होंगे, मतलब प्रोडक्ट्स का जो भी कंसंट्रेशन रहा होगा वो भी कैसा रहा होगा, 0 ही रहा होगा। समझ में आ गई ना बात? लेकिन जब रिएक्शन स्टार्ट हो गई, टाइम बढ़ने के साथ रिएक्शन जब स्टार्ट हुई, तो टाइम बढ़ते बढ़ते रिएक्टेंट्स तो मेरे कंज्यूम होते जाएंगे, लेकिन प्रोडक्ट्स फॉर्म होते जाएंगे, नए प्रोडक्ट्स बनते जाएंगे, प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा। तो जो मेरा ग्राफ है ना वो प्रोडक्ट्स के केस में कुछ ऐसा बनता है, ये इंक्रीजिंग ग्राफ। बात आ गई ना समझ में? और एक टाइम ऐसा आता है पर्टिकुलर जब मेरा पूरा का पूरा रिएक्टेंट खत्म हो जाता है, तो वहीं पर ये प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन भी जाके कैसा हो जाता है, कांस्टेंट। तो अगर आप इसे यहाँ से ऐसे मैच कराएं तो आपको कुछ ऐसी वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, और ये वैल्यू मान लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसे भी हम क्या नाम दे देते हैं, सी नॉट। क्योंकि देखिए जब पूरा का पूरा रिएक्टेंट आपका ख़त्म हो गया, तो अब तो जितना प्रोडक्ट बन चुका होगा इन रिएक्टेंट से उतना ही रहेगा ना, अब तो बढ़ेगा नहीं उससे ज़्यादा ना ही घटेगा। तो एक फाइनल टाइम पे जाके आपके प्रोडक्ट्स के कंसंट्रेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। समझ में आ गई ना बात आपको? इसी तरह से ये वैल्यू भी ना यहाँ से बढ़ते बढ़ते कम होते 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 किसी पर्टिकुलर टाइम पे 0 हो जाएगी, रिएक्टेंट्स पूरे के पूरे मेरे ख़त्म हो जाएंगे। बात आ रही है आपको समझ में? बिल्कुल आ गई होगी। तो ये ग्राफ था किसके लिए, प्रोडक्ट्स का, ये रिएक्टेंट्स का, ये इसकी जो स्लोप होगी ना वो भी आपको क्या बताएगी, रेट ऑफ रिएक्शन ही बताती है। चाहे रिएक्टेंट के लिए आप खींचे चाहे प्रोडक्ट के लिए, दोनों ग्राफ की जो स्लोप होंगी वो आपको रेट ऑफ रिएक्शन ही कैलकुलेट करके देंगी। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए अब ये तो हमने देख लिया कि ग्राफ से किस तरह से हम एवरेज रेट को कैलकुलेट करते हैं। एवरेज रेट हम सीख गए, तो अब हम ये भी सीख लेते हैं कि ग्राफ की हेल्प से इंस्टेंटेनियस रेट किस तरह से कैलकुलेट किया जाए। बात आई आपको समझ में? अच्छा एक तरीका ना मैं आपको और बता देता हूँ यहीं पे एवरेज रेट को कैलकुलेट करने का।
ग्राफ से एक और मस्त तरीका है, चलिए पहले उसे देख लेते हैं। रफली एक ऐसे जस्ट ग्राफ बनाता हूँ, ये था जैसे ग्राफ हमारे लिए इसका रिएक्टेंट्स वाला ग्राफ। इसमें देखिए मान लीजिए ना किसी पर्टिकुलर टाइम, जैसे ये टी इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड, ये टी इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड पर, यहाँ पे ग्राफ इस जगह कट होता है और कंसंट्रेशन की वैल्यू मुझे यहाँ मिल रही है, इस वाले पॉइंट के लिए ग्राफ यहाँ कट होता है और कंसंट्रेशन की वैल्यू मुझे ये मिलती है। मैंने अभी अभी जस्ट इसके एक तो तरीका ये है कि आप वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लीजिए और वैल्यूज़ को फॉर्मूले में रख के कैलकुलेशन कर लीजिए। दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि इसकी जो स्लोप होती है ना, ये स्लोप मुझे क्या बताती है, रेट बताती है रिएक्शन का, समझ में आई ना बात। तो आप क्या करिए, मुझे रेट कहाँ से कहाँ तक बताना है, 5 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड के बीच का ना, इस 5 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच ग्राफ इन दोनों पॉइंट्स पे कट हो रहा है, तो आप इन दोनों पॉइंट्स को ना एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू ऐसे जोड़ दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए, और इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा ना उसको अगर आप कैलकुलेट कर ले जाते हैं तो आपको मिल जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू बिटवीन 5 एंड 10 सेकेंड। इसका स्लोप आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इस पूरे रीजन को ध्यान से देखिए, ये वाला इसे अगर मैं निकाल के यहाँ से अलग कर लूँ, ठीक, तो ये आपको क्या दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूस है, इसकी वैल्यू मिल जाएगी तो स्लोप मिल जाएगा ना, ये क्या है हाइपोटेन्यूस, ये आपका बेस, ये आपका परपेंडिकुलर, अरे हिंदी में कहते हैं लंब, आधार और कर्ण, समझ में आई बात। अब किसी तरह से ये पा जाइए तो आपको ये आराम से मिल जाएगा, और ये दोनों चीज़ें आप ग्राफ से ही कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। तो ये एक और तरीका होता है एवरेज रेट में ग्राफ को यूज़ करते हुए कैलकुलेट करने का, समझ में आई ना बात आपको। तो ये बढ़िया एक तरीका है, अगर मुझे इस पर कोई एक न्यूमेरिकल भी मैं आपको करा दूंगा नेक्स्ट क्लासेस में, जिससे ये भी आपका क्लियर हो जाए डाउट एकदम से। चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इंस्टेंटेनियस रेट हम कैसे कैलकुलेट करें, इंस्टेंटेनियस रेट इन शॉर्ट लिख दे रहा हूँ ग्राफ की हेल्प से। तो अब मैं आपको दोनों ग्राफ्स बना के नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आई होप अब आप मास्टर हो ही गए होंगे ग्राफ बनाने में, मैं आपको सिर्फ रिएक्टेंट के ग्राफ से समझा दे रहा हूँ। कोई भी बनाना है हमें तो हम रिएक्टेंट का ही बना लेते हैं, ये मैक्सिमम वैल्यू सी नॉट, और यहाँ से ये रहा हमारे रिएक्टेंट के लिए ग्राफ, बात आई ना समझ में, यहाँ पे कौन रहेगा टाइम और यहाँ पे कौन रहेगा कंसंट्रेशन। अब देखिए यहाँ से इंस्टेंटेनियस रेट मुझे कब कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, किसी पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे बोल देगा टी इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे बचवा बताओ कि रेट कितना है, समझ में आ गई ना बात। तो हमें बस यहाँ करना क्या होगा, मान लेते हैं टी इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड कहीं यहाँ पर है, तो टी इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे सेम वही अपना लाइन वाला खेल करते हैं। तो देखिए इस पर ग्राफ कहाँ कट हो रहा है, यहाँ पे कट हो रहा है टी इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड पर, इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे ना आप क्या करिए, एक ऐसे टेंजेंट खींचिए, टेंजेंट मतलब आपको मालूम ही होगा स्पर्श रेखा जो एक ही पॉइंट से होकर जाए, टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, और इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा ना, यही स्लोप आपको क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस रेट बताएगा इस पर्टिकुलर टी इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड पर, समझ में आई बात। मतलब अगर कभी मुझे इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करना पड़ा ग्राफ की हेल्प से, तो मैं जो भी टाइम दिया होगा उस टाइम पर देखूंगा ग्राफ कहाँ कट हो रहा है, जहाँ पे ग्राफ कट हो रहा होगा उस पॉइंट पर एक टेंजेंट खींच के उसका स्लोप कैलकुलेट करूंगा, और यही स्लोप मुझे क्या निकाल के देगा, आर इंस्टेंटेनियस। कोई डाउट नहीं, तो इंस्टेंटेनियस रेट निकालना देखिए बहुत आसान है, आराम से आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। बस आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, जब भी आपको ये इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा यूजिंग ग्राफ, आपको कंसंट्रेशन जो गिवन होगा ना वो टाइम के टर्म्स में देगा आपको, मतलब कंसंट्रेशन मस्ट बी गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम। बात आ गई ना आपको समझ में, हमेशा आपको टाइम के टर्म्स में कंसंट्रेशन दे देगा। अब चलिए मैं आपको ये बताता हूँ, इंस्टेंटेनियस रेट तो कैलकुलेट करना हम लोग सीख गए, एकदम क्विकली इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम देखते हैं कि किस तरह से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि यूनिट क्या होती है रेट ऑफ रिएक्शन की, क्योंकि हर चीज़ को तौलने के लिए हमें एक यूनिट की ज़रूरत पड़ती है ना मेजर करने के लिए, रेट किस यूनिट में मेजर करते हैं, अब हम लोग ये देखेंगे। तो देखिए हेडिंग लिख लीजिए पटाख से, सबसे पहले
यूनिट ऑफ रेट, यूनिट ऑफ रेट। समझ में आ गई बात आपको? चलिए, रेट की अगर मुझे यूनिट कैलकुलेट करनी है तो रेट इज इक्वल्स टू होता क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम। बात आ गई ना आपको समझ में? देखिए, चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की यूनिट हम लोग किस में मेजर करते हैं, मोल पर लीटर में। आपको इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। और टाइम हम लोग किस में मेजर करते हैं, सेकेंड में। तो ये जो यहाँ से निकल के आया है रिजल्ट हमारा, मोल पर लीटर सेकेंड, ये यूनिट होती है किसकी, रेट की। जब भी आप रेट को मेजर करेंगे यूनिट क्या आएगी, मोल पर लीटर सेकेंड। समझ में आ गई बात? यहाँ पर एक और चीज है, देखिए आपका मोल पर लीटर को हम लोग जानते हैं मोलैरिटी के नाम से, तो यहाँ पर हम लोग रेट की यूनिट मोलैरिटी पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। समझ में आई ना बात आपको? ये आपका खेल होगा, बेसिक यूनिट ये होती है हमारे लिए एसआई यूनिट रेट की। अब आगे और डिफरेंट यूनिट्स भी हो सकती हैं, अगर आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज करें तो यहाँ से आपके डिफरेंट और यूनिट्स निकल के आ जाएंगे रेट के लिए। ये आपकी कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट। समझ में आ गई ना बात आपको? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। मैं आपको ना इक्का दुक्का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा देता हूँ, ताकि आप लोग ये समझ जाएं कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट का जो ओवरऑल फंडा है वो क्या है। तो देखिए, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, करना हमको बेसिकली ये है कि एवरेज रेट की ना मैं एक प्रॉब्लम आपको करवा देता हूँ। जैसे सपोज करिए मेरे पास एक कोई रिएक्शन है, ए से कन्वर्ट हो रहा है मेरा सब्सटेंस किसमें, बी में। ए है, मान लीजिए ए को मैं हीट कर रहा हूँ और ए किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, बी में। मुझसे क्या कह रहा है कि ए का जो इनिशियल कंसंट्रेशन था वो कितना था, 5 मोलैरिटी था, और वो भी किस पर, 5 सेकेंड पर। बात आ गई समझ में? मतलब जब टाइम 5 सेकेंड है तो ए का कंसंट्रेशन कितना है, 5 मोलैरिटी, और फाइनल कंसंट्रेशन जो ए का है वो कितना हो जाता है, 3 मोलैरिटी, कितने टाइम पर, 10 सेकेंड्स में। बात आ गई ना समझ में? मतलब 5 सेकेंड में 5 मोलैरिटी था, 10 सेकेंड में कितना हो गया, 3 मोलैरिटी, क्योंकि ए मेरा रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता ही है। तो आपसे कह रहा है कि भैया बताइए कि रेट क्या होगा। समझ में आ गई ना बात आपको? बिल्कुल आ गई होगी। अब देखिए क्वेश्चन में ना आप दो चीज़ों में कंफ्यूज होंगे। दो चीज़ें क्या है, एवरेज निकालें कि इंस्टेंटेनियस निकालें, क्योंकि यहाँ पे तो आपको कुछ बोला नहीं कि एवरेज रेट कैलकुलेट करिए या इंस्टेंटेनियस, आपसे तो बस ये बोल दिया कि रेट कैलकुलेट करके बताइए। तो ज़रा आप बताइए कि यहाँ हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे कि इंस्टेंटेनियस, थोड़ा जल्दी से बताइए, टाइम क्योंकि हमारे पास लिमिटेड ही होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज रेट निकालेंगे। कैसे पता चला आपको ये, हमें ऐसे पता चला कि यहाँ पर हमसे एक गिवन टाइम इंटरवल में बात कर रहा है, मुझसे कह रहा है कि 5 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच में आप बताइए कि रिएक्शन का रेट कितना है। तो मैं बोल दिया ना 10 से 5 सेकेंड में, तो ये टाइम इंटरवल दे दिया, और टाइम इंटरवल देने का मतलब कि हमसे किसकी बात करेगा, एवरेज रेट की बात करेगा। तो सॉल्यूशन हम देखेंगे यहाँ से, आर एवरेज इज इक्वल्स टू हमारे लिए क्या हो जाएगा, मॉड लगाते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन होता है तो अब मैं डायरेक्टली करता हूँ। देखिए, चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब सी फाइनल माइनस सी इनिशियल अपॉन में टी फाइनल माइनस में टी इनिशियल। कोई डाउट आपको इसमें? कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे देखिए, सी फाइनल कितना है, 3 मोलैरिटी, माइनस में सी इनिशियल कितना है, 5 मोलैरिटी, अपॉन में टी फाइनल कितना है, 10 सेकेंड, और टी इनिशियल कितना है, 5 सेकेंड, इज इक्वल्स टू मॉड में 3 माइनस 5 कितना होता है, आजकल तो माइनस का 2 आता है, और 10 माइनस 5 कितना आता है, 5 आता है। तो ओवरऑल देखिए ये वैल्यू आ रही है नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? क्योंकि ये हम रेट लिख रहे हैं रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, लेकिन हमने लगा दिया है मॉड, तो मॉड लगाने की वजह से ये ओवरऑल वैल्यू बाहर कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो आर एवरेज जो आपका यहाँ से आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2/5 बाहर आ जाएगा आपका। इसमें कोई आपको डाउट है? नहीं, क्योंकि मॉड एक ऐसी मशीन होती है जिसके अंदर कुछ भी फेंक दीजिए वो पॉजिटिव ही निकाल के देगी। तो 2/5 यहाँ से आपका कितना हो जाता है, 0.4, और यूनिट क्या हम लिख देंगे, मोलैरिटी पर सेकेंड। और ये हो गया आपका आंसर।
देखा आपने बड़ी ही आराम से हम लोगों ने एवरेज रेट की कैलकुलेशन यहाँ पर कर ली, बिल्कुल कोई झंझट नहीं था, यूजिंग फॉर्मूला, बेसिक क्वेश्चन सब कुछ हमें गिवन था, बात आई ना समझ में। अब चलिए हम लोग देखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो मैं एक प्रॉब्लम आपको इंस्टेंटेनियस रेट के ऊपर भी करवा देता हूँ ताकि उससे रिलेटेड भी आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो देखिए इंस्टेंटेनियस रेट, चलिए फिर से यही प्रॉब्लम कर लेते हैं कि एक रिएक्शन है जिसमें ए कन्वर्ट हो रहा है हीट करने पर किसमें, बी में। और मैंने आपको बोला था जब भी आपको इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा तो वो कंसंट्रेशन आपको हमेशा किसमें देगा, टाइम के टर्म्स में देगा। तो देखिए यहाँ पर भी ना आपको जो आपका कंसंट्रेशन है वो टाइम के टर्म्स में गिवन है। कैसे, वो बोल रहा है कि आपका जो कंसंट्रेशन सी है ना वो टाइम के साथ में एक रिएक्शन के अकॉर्डिंग बदल रहा है, और वो इक्वेशन, सॉरी रिएक्शन नहीं, इक्वेशन के अकॉर्डिंग। और वो इक्वेशन कैसी है, 5t³ + 4t² + 3t + 2। बात आई आपको समझ में, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग बदल रहा है आपका रेट। तो बताइए कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा एट t = 3 सेकेंड। बात आई आपको समझ में, आपसे कह रहा है कि अगर इस रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन टाइम के साथ में इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बदल रहा है, वेरी कर रहा है, तो बताइए t = 3 सेकेंड पर कौन सा, क्या रेट होगा रिएक्शन का। समझ में आ गई बात। अब देखिए यहाँ पे आप इस t = 3 सेकेंड को देखते ही समझ जाएंगे कि किसकी बात कर रहा है, इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करने की हमसे बात कर रहा है। कैसे हमने जाना, क्योंकि बोल रहा है एग्जैक्ट t = 3 सेकेंड पर बताइए। दूसरी चीज ये कि यहाँ मुझे कंसंट्रेशन गिवन है इन द टर्म्स ऑफ टाइम, तो इससे भी मैं देख कर ये अंदाजा लगा लूंगा कि इंस्टेंटेनियस रेट मुझसे पूछ रहा है। अच्छा, आर इंस्टेंटेनियस, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, सॉल्यूशन, आर इंस्टेंटेनियस होता क्या है, डी सी अपॉन में डी टी के बराबर। क्या आपको इसमें कोई डाउट है, चलिए मॉड लगा दीजिए, कोई दिक्कत हो रही हो तो, कोई डाउट नहीं है। डी सी अपॉन डी टी मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टी, कुल मिला जुला के यही लिखा है। तो इज इक्वल्स टू मॉड लगाया डी डी टी ऑफ C के प्लेस पे ना मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो क्या आएगी 5t³ + 4t² + 3t + 2। बात आई समझ में, और ये मॉड मैंने क्लोज कर दिया। डिफरेंशिएशन मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको आता ही आता होगा, और अगर नहीं आता है, इसमें कोई डाउट है, तो भैया आगे कुछ भी कर आप नहीं पाएंगे। बेसिक मैथ्स नाम से एक चैप्टर पूरा का पूरा अपलोड है, एक लेक्चर, आप उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें बेसिक फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो हम यूज़ करते हैं ना सब कुछ आपको उसमें बताया गया है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह, बेसिक सुन के खाली जो हम यूज़ करते हैं पूरी फिजिक्स या केमिस्ट्री के दौरान। तो अगर नहीं आपको आता इसमें पोर्शन में कोई डाउट है तो उस वीडियो को आपको ज़रूर देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट एकदम क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हम इसे यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, 5 कांस्टेंट है बाहर आ गया, टी क्यूब का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 3t² आपको इसमें कोई डाउट नहीं, प्लस में 4 कांस्टेंट है बाहर आएगा, t² का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 2t, प्लस में 3 कांस्टेंट है बाहर, t का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, तो 1 को लिखेंगे नहीं, प्लस में 2 कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। अब यहाँ पे देखिए हमसे कह रहे t = 3 सेकेंड पे बताइए भाई साहब रेट कितना होगा, तो यहाँ पे t = 3 सेकेंड हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। t = 3 सेकेंड पुट करते ही देखिए क्या होगा, 5 3 कितना होता है 15 इंटू t², तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, इसकी जगह रख दिया, प्लस में 4 2 8 होता है, और इंटू टी की जगह कितना रख दिया 3 प्लस का 3, तो देखिए 5 15 9 कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 135 प्लस 8 3 कितना हो जाएगा 24 और प्लस ये कितना हो जाएगा 3, तो 24 प्लस 3 कितना होता है 27 होता है, तो 172। और यूनिट क्या आ जाएगी आपकी, यूनिट तो मैंने यहाँ पे आपको कोई गिवन नहीं दी है, तो अगर यूनिट कभी ना गिवन हो ना तो आप क्वेश्चन के आगे ऐसे यूनिट लिख दिया करिए, तो 172 यूनिट ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी आपका आंसर क्या, आर एवरेज यहाँ से आपका इंस्टेंटेनियस रेट, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस रेट आपका कितना आ गया 172 यूनिट के बराबर। यहाँ पे आपको अब इसमें इतने पोर्शन में तो आई होप कोई डाउट यहाँ से बिल्कुल आपको नहीं बचेगा।
तो ये आपका इंस्टेंटेनियस रेट का प्रॉब्लम हो गया, एवरेज रेट की प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर ली है। अब हम लोग यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि एक डिफरेंट टाइप के रिएक्शन, जैसे कोई गैसियस रिएक्शन हो गई, उसके लिए जो हमें रेट अगर कैलकुलेट करना पड़े तो हम कैसे करते हैं। बात आई ना समझ में? यहाँ पे एक बार ये फिर से देख लीजिएगा, हड़बड़ी में कैलकुलेशन की कुछ गलत तो नहीं है, इसीलिए बोलता हूँ कि हड़बड़ी में कैलकुलेशंस नहीं करनी चाहिए आपको। तो ये आपका यहाँ से हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे कि अगर मान लीजिए ना मुझसे कभी कोई गैसियस रिएक्शन दे दे, क्या दे दे, कोई गैसियस रिएक्शन, और बोल दे इस गैसियस रिएक्शन के लिए आप रेट कैलकुलेट करके बताइए कि क्या होगा, तो मुझे गैसियस रिएक्शन के लिए तो रेट कैलकुलेट करने में समस्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रेट में मुझे रखना होता है कंसंट्रेशन, साथ ही साथ चेंज इन टाइम रखना पड़ता है। लेकिन गैसेस का कंसंट्रेशन तो हम प्रेशर के टर्म्स में मेज़र करते हैं ना। मान लीजिए अगर वो लिक्विफाई है गैस हमारी, तब तो हम कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, लेकिन अगर गैस के ही फॉर्म में है तो मुझे उसका प्रेशर मिलेगा। तो प्रेशर के साथ हम रेट से कैसे डील करेंगे, अब ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, हमने पढ़ी है आइडियल गैस नाम की एक चीज़, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू NRT क्लास 11 के स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में। बात आ गई ना आपको समझ में? अब यहाँ से देखिए होता क्या है, PV इज इक्वल्स टू NRT को मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से अगर लिखूँ तो P इज इक्वल्स टू N/V इंटू RT लिख सकता हूँ। इसमें आपको कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। ये N/V क्या है? इट इज मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि ये ओवरऑल मुझे दिया क्या है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है। तो P इज इक्वल्स टू CRT लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि C क्या हो गया मेरा, कंसंट्रेशन। देखिए, जब भी हम बात करते हैं किसी रिएक्शन के लिए तो एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बात करेंगे, तो टेम्परेचर क्या हो गया, कॉन्स्टेंट। R तो मेरा यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, ये UGC, तो बचता है यहाँ से अब ये दोनों कॉन्स्टेंट, तो P और C, यानी P है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, C के। बात आई समझ में? मतलब अगर P बढ़ेगा तो C बढ़ेगा, और अगर C घटेगा तो P भी घटेगा, यानी P और C दोनों का बिहेवियर एक जैसा है, तो मैं C की जगह P को भी यूज़ कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो अब अगर मुझे इस गैसियस रिएक्शन का रेट लिखना पड़ा, तो देखिए रेट क्या होता है, रेट इज इक्वल्स टू होता है Δc अपॉन में Δt। लेकिन मैंने बोला कि मैं C की जगह P को भी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से रेट इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ Δp अपॉन में Δt। क्या आपको कोई इसमें डाउट है? कोई डाउट नहीं होगा। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा किसके लिए रेट, गैसियस रिएक्शन के लिए, और ये कौन सा रेट है, एवरेज रेट है। इसी तरह से अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट भी कैलकुलेट करना पड़े तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट यहाँ से आपको कैसे मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस मतलब क्या, DC/DT होता है, तो DP/DT हो जाएगा आपका ये मॉड में। क्या आपको इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होगा। ये आप पा गए यहाँ बड़े आराम से किसका, गैसियस रिएक्शन का भी रेट। अब देखिए यहाँ से ना आगे हमें रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड ही कुछ और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ने होते हैं, मतलब कि जो इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स वगैरह के रेट होते हैं ना, उनको इक्विवेलेंट एक दूसरे के करके बड़े आराम से हमको सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको उसका दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे कोई दे दे रिएक्शन जनरली A+B से C+D। बोलेंगे हर बार ये रिएक्शन लिखते हैं अच्छी नहीं लग रही है ना, चलिए दूसरी रिएक्शन लिख देता हूँ, आपकी खुशी में मेरी खुशी है, α+β से मुझे बना के दे देता है X+Y। समझ में आ गई बात? तो α-β मेरे रिएक्टेंट्स हैं, X और Y मेरे प्रोडक्ट्स हैं। कोई डाउट आपको इसमें? कोई नहीं। अब देखिए हमसे ना आगे प्रॉब्लम्स किस तरह की देगा हमको, क्योंकि हम अब रेट, एवरेज, इंस्टेंटेनियस क्या होता है, गैसियस रिएक्शन के लिए क्या होता है, ग्राफ से किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, सारी चीज़ें जान चुके हैं। लेकिन इतनी जल्दी तो हमारा पीछा छूटेगा नहीं, काम हमारा थोड़ा बढ़ाया जाएगा। तो हमारा काम कैसे बढ़ाएगा, हमसे बोलेगा ना अगर अल्फा का रेट इतना है तो बताइए बीटा का रेट कितना होगा, एक्स का रेट कितना होगा, वाई का रेट कितना होगा। मतलब एक का रेट आपको चिपका देगा और बोलेगा कि तीनों का रेट निकाल के बताइए। क्यों? क्योंकि अब आप इंडिविजुअल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए रेट लिखना सीख चुके हैं,
तो इस तरह की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, कैसे हम इन्हें सॉल्व करेंगे, ये सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग को करना क्या है कि जितना भी मैंने आज की क्लास में ये आपको तामझाम सिखाया है सारा का सारा, उसको एज इट इज़ अपनी कॉपी में उतार लेना है, एकदम उसको रट लेना है। रटने का मतलब रटना वो तोते की तरह नहीं, समझ सके रटना है, समझ लेना है अच्छे तरीके से, भूलना नहीं है कुछ भी, दिमाग से स्किप नहीं करना है। अपने काम में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, कोई भी आलस कोई नहीं दिखाएगा। समझ में आ गई ना बात? अगर आगे चीज़ें आप समझना चाहते हैं तो रिवीजन अपना एकदम प्रॉपर आपको रखना ही होगा। टिल देन बाय, मिलेंगे आप लोग अपनी अगली क्लासेस में। अगेन बाय।